उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में पौधारोपण किया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि हम सभी अवगत हैं कि पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई है जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। यह सभी कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हर वर्ष पौधारोपण की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बार सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा किया जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में 10 पेड़ जरूर लगाएं। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, डीएफओ विकास कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, अरे नहीं ठीक पौधारोपण किया गया सर, क्या उद्देश्य? हाँ, आज हम सभी अवगत हैं कि वृक्षारोपण अभियान की आज से शुरुआत है और ये 15 अगस्त तक चलेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये उसी के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर हर वर्ष संख्या में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 35 करोड़ का लक्ष्य है और उसी अभियान की कड़ी में हम लोग भी यहाँ पे हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप लोग भी वृक्षारोपण कीजिए और ये संदेश सभी तक पहुँचाइए कि हर जन कम से कम 10 पेड़ लगाए